वेलकम टू लर्निंग स्ट्रोम अकेडमी। सो गाइस, ये हमारी सी लैंग्वेज की पहली वीडियो है, तो हम इसमें सी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, व्हाट वाज द नीड टू डेवलप अ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी, एंड देन हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, और देन आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं नीड टू डेवलप अ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी। सो गाइज, जब भी हम किसी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे होते हैं, किसी लैंग्वेज की स्टडी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उस लैंग्वेज को डेवलप करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। सो गाइज, सी लैंग्वेज से पहले जितनी भी लैंग्वेज थी, लाइक बेसिक, कोबोल, फॉल्टन, इन सबकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से की गई थी कि ये स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते थे। इन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम थे वो ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज करते थे, जैसे कि गो टू स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते थे, जिससे जंपिंग स्टेटमेंट का काफी मैसअप हो जाता था और प्रोग्राम को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। स्टार्टिंग में जितनी भी लैंग्वेज को डिजाइन किया जाता था, उन सारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ्स आ जाते थे। जैसे कि अगर कोई लैंग्वेज इजी टू यूज है तो वो पावरफुल नहीं होती थी, अगर कोई लैंग्वेज सिक्योर है तो उसके प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होते थे, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिजिड है तो उसके प्रोग्राम को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इन सारी लैंग्वेज में। इन्हीं सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके डेनिस एजी ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। तो गाइस, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो गाइस, सी लैंग्वेज से पहले और भी बहुत सारी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, मार्टिन रिचर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया। BCPL लैंग्वेज की फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्टिन रिचर्ड ने 1966 में BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया। मार्टिन रिचर्ड ने उस टाइम की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उन सबके फीचर्स को कंबाइन करके BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया। के बाद कैन थॉमसन नामक एक साइंटिस्ट थे जो AT&T बेल लैब्स में काम करते थे। इन्होंने BCPL लैंग्वेज के फीचर्स को इम्प्रूव करके वी लैंग्वेज को डेवलप किया। कैन थॉमसन ने 1969 में वी लैंग्वेज को डेवलप किया। कैन थॉमसन एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक अच्छी लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। तो पहले कैन थॉमसन ने एक लैंग्वेज को बनाया जिसको हम वी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और फिर उन्होंने उसी लैंग्वेज का यूज करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको हम यूनिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद डेनिस एजी, जो कि कैन थॉमसन के साथ AT&T बेल लैब्स में काम करते थे, इन्होंने वी लैंग्वेज को और फीचर्स को और इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज को डेवलप किया। डेनिस एजी ने 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया AT&T बेल लैब्स में। तो गाइस, डेनिस एजी ने जब सी लैंग्वेज को डेवलप कर लिया तो इन्होंने कैन थॉमसन से कहा कि अगर वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से सी लैंग्वेज में बनाते हैं तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर कैन थॉमसन और डेनिस एजी ने फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में बनाया, तो जिससे सबसे बड़ा फीचर्स था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल हो गया। तो गाइस, 1989 में अंसाई ने सी को स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराया। तो अंसाई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिसने सी को स्टैंडर्ड पब्लिश किया। इसके बाद सी का नाम पड़ा अंसाई सी और C89। देन आफ्टर 1990 में ISO ने फिर से सी के लिए एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसके बाद सी का नाम पड़ा C19। देन आफ्टर 1995 में ISO ने फिर से सी लैंग्वेज के लिए
स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसको जिसके बाद सी का नाम पड़ा C95। एंड आफ्टर अगेन 1999 में आईएसओ ने एक और बार सी के लिए स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसके बाद सी का नाम पड़ा C99। इन द लास्ट दिसंबर 2011 में आईएसओ ने सी के लिए एक और स्टैंडर्ड पब्लिश किया जिसके बाद सी का नाम पड़ा C11। देन आफ्टर गाइज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज की। सो गाइज आजकल हम अपनी लाइफ में हमेशा सुनते रहते हैं कि सी ये वाला ये सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज में बना है, ये वाला सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज में बना है। सो गाइज मैं ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जिनकी कोडिंग है जो सी लैंग्वेज में हुई है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ओरेकल। सो ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसकी कोडिंग भी सी लैंग्वेज में की गई थी। देन आफ्टर आजकल की जो हॉट टेक्नोलॉजी है एंड्रॉयड, जिसकी जो कोर लाइब्रेरी है उनकी भी कोडिंग है जो सी लैंग्वेज में की गई थी। देन आफ्टर माई एसक्यूएल जो एक अनदर सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसकी कोडिंग भी सी में की गई थी। देन आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर, जितने भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं उन सबकी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में ही की गई थी। गाइस हमारे सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं ना, उन सारे प्रोग्रामों को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो जितने भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं उन सबकी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में की गई थी। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम बहुत सारे ब्राउजर का यूज करते हैं, लाइक ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इन सब सारे ब्राउजर का एक मेजर पार्ट है, एक मेजर पार्ट जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी सारी कोडिंग है वो सी लैंग्वेज में की गई थी। इनफैक्ट सी लैंग्वेज को डेवलप ही इसीलिए किया गया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कोड कर सकें। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। इसके बाद आगे आने वाली वीडियो में हम पहले सी के पहले प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।